दोस्तों, पिछली बार हमने बात की थी डॉक्टर सविता वर्मा से COVID-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स को लेकर, और आज हम बात करेंगे डॉक्टर रमेश वर्मा से RBCG वैक्सीन को लेकर। PGIMS रोहतक में विदाउट परमिशन शूट करना मना है, लिखा हुआ है बिना आज्ञा अंदर जाना मना है। हमने परमिशन ली है और इसके तहत हम आपको आगे की जानकारी देंगे। आइए मिलते हैं डॉक्टर रमेश वर्मा से। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि BCG वैक्सीन आखिर है कौन सी वैक्सीन, किस तरह की वैक्सीन है? मैडम, BCG वैक्सीन बेसिकली क्या है, हम लोग ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंशन के लिए लगाते हैं जी। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ कोरोना के केसेस में हमारे यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज हो रहे हैं। सबसे पहले चाइना में, फिर जो जितने भी कंट्रीज हैं USA, ब्राज़ील और जर्मनी में जैसे कि केस बढ़ने लगे, उसी तरह हमारी कंट्री में भी केस बढ़ने लगे शुरू शुरू में। तो जब शुरू शुरू में जब केस बढ़ रहे, तो ये देखा गया कि जितनी भी डेवलप कंट्री हैं उनमें जो केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्री। हमारी जो इंडिया की कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो उनमें जो केसेस थे कोरोना के वो बहुत कम थे। और ये भी देखा गया कि इन कंट्रीज़ के अंदर, डेवलप कंट्री के अंदर, मोर्टेलिटी जो है, जो मरते थे कोरोना से, वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्री लाइक अवर कंट्री इंडिया। तो उसका कारण ढूंढा गया, तो हमें एक कारण लग रहा था कि जो हम BCG का टीका लगाते हैं, यूजली क्या है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर हम BCG का टीका लगाते हैं और डेवलप कंट्री के अंदर BCG का टीका नहीं लगाते क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो ये देखा गया है कि BCG का, हमने सोचा कि क्या हो सकता है कि जिन कंट्री में BCG का टीका नहीं लगता उनमें मोर्टेलिटी और नंबर ऑफ केसेस वहाँ ज़्यादा है हमारी कंट्री से। तो हमने फिर ये ट्रायल हमारी कंट्री में शुरू हुआ है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कंपनी है, उसने हमारी कंट्री में 40 साइट्स के ऊपर, पूरी 40 साइट्स हैं, उन पे ये ट्रायल हमारी BCG वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया था। और BCG ट्रायल मैडम, BCG बेसिकली क्या है, इसका मेन जो काम है वो हमारे ट्यूबरकुलोसिस ना हो पेशेंट को, यूजली हम उन्हीं में लगाते हैं। और हमारी कंट्री जो इंडिया है उसके अंदर हम बच्चों में लगा देते हैं क्योंकि हमारी कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस इतना कॉमन है, कई बार क्या होता है पैदा होते ही TB हो जाती है जी। तो उसको प्रिवेंशन के लिए हम पैदा होते एक BCG का टीका लगाते हैं ताकि इन बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस ना हो। तो एक इसका रिफाइंड पार्ट है BCG का, उसको बोलते हैं हम रिकम्बिनेंट BCG वैक्सीन। रिकम्बिनेंट BCG वैक्सीन का मतलब ये है कि हमने इसके अंदर एक जेनेटिकली इंजीनियरिंग मॉडिफाइड वैक्सीन की है, एक लिस्ट्रोलाइसिन होता है उसको हमने एनकोडिंग की है, एनकोडिंग ऑफ इन द BCG वैक्सीन। तो ये देखा गया है कि जो रिकम्बिनेंट BCG वैक्सीन है वो काफ़ी सेफ है एज़ कम्पेयर टू द क्लासिकल जो हम पहले लगाते थे BCG वैक्सीन। तो हम इस ट्रायल के अंदर हम एक रिकम्बिनेंट BCG वैक्सीन लगाएंगे और इस वैक्सीन लगाएंगे जिनकी एज जो है मोर देन 18 ईयर्स होगी, मोर देन 18 ईयर्स, मेल फीमेल कोई भी हो, कोई भी आएगा, हम उनको इंजेक्शन लगाते थे। तो डॉक्टर साहब, जो ये ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं, जैसे हमने डॉक्टर सविता वर्मा से भी बात की थी कि जो वॉलंटियर्स हैं पहले उनका चेकअप किया जाता है, तो क्या जो BCG वैक्सीन है वो लगाने से पहले आप जितने भी वॉलंटियर्स हैं क्या उनका फुल बॉडी चेकअप भी करते हैं? मैडम, BCG वैक्सीन का बेसिकली क्या, हम लोगों ने वही चूज़ किए हैं हेल्थ केयर वर्कर जो लोग कोविड में काम कर रहे हैं, जो वार्ड्स में काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर वर्कर का मतलब है कि डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉय और पैरामेडिक्स, एक तो ग्रुप हमने वो चूज़ किया था। और दूसरा ग्रुप हमने चूज़ किया था हाई रिस्क वाला। हाई रिस्क का मतलब ये है कि जिन पेशेंट के पॉजिटिव, जो पेशेंट पॉजिटिव हैं और जिनको हमने होम आइसोलेशन पे रखा हुआ है, उनकी जो अटेंडेंट हैं वो बेसिकली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं उनके, तो हमने उनको ग्रुप को चूज़ किया था जो पेशेंट आइसोलेशन में हैं और जो उनके अटेंडेंट हैं, बेसिकली अटेंडेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर मैं आपको बता चुका हूँ। तो इन दो ग्रुप के अंदर हमने इस BCG वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया था। और बिफोर इन्वॉल्वमेंट हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग के अंदर हम उनका एक कोविड टेस्ट करेंगे, अगर कोविड टेस्ट नेगेटिव आया बाय द RT-PCR तो भी हम उनको BCG का टीका लगाएंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो नहीं लगाएंगे फिर हम। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि एंटीबॉडीज़ बनाने के भी काम आता है ये जो BCG वैक्सीन है, लेकिन कहा जाता है कि जब एक हेल्दी हो कोई इंसान, उस हेल्दी इंसान में पहले से एंटीबॉडीज़ होते हैं, उसके बाद अगर उसे एंटीबॉडीज़ उसकी बॉडी में ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं तो वो भी नुकसान देते हैं। तो क्या ये जो BCG की वैक्सीन आपने लोगों को दी, इससे जो एंटीबॉडीज़ उनमें क्रिएट हुए, तो क्या इससे उन पर नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा? BCG वैक्सीन का ये देखा गया है, स्पेशली जहाँ पे BCG का ट्रायल हुआ था, BCG का एंटीवायरल एक प्रॉपर्टीज़ होती है। एंटीवायरल का मतलब है कि ये उस कीटाणु को भी मार सकती है, वायरल को,
तो कोरोना वायरस भी वायरल ही है, तो यही सोच के हम लोगों ने BCG वैक्सीन लगाई है। क्या पता इस वैक्सीन का शायद कोरोना में भी इफेक्ट आ जाए। दूसरा, इस BCG वैक्सीन का देखा गया है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। तो ये दो जो कारण हैं उसी बेसिस के ऊपर हमने इस BCG का ट्रायल किया। रही आपके क्वेश्चन की एंटीबॉडी की बात, बेसिकली क्या है, अगर कोरोना को इन्फेक्शन हो गया किसी के लिए तो अगेंस्ट एंटीबॉडी वही प्रोड्यूस होंगी, लेकिन हम लोग BCG वैक्सीन लगा रहे थे तो BCG वैक्सीन का मतलब है इम्यूनिटी को बूस्ट करना हमारी और उसकी एंटीवायरल को इफेक्ट करना। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं, हमारी एंटीबॉडी का कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ BCG के कारण एंटीबॉडी कितनी बढ़ी अगेंस्ट दी BCG वैक्सीन, वो हम लोग जरूर चेक करेंगे। ऑल ओवर दी कंट्री हम लोगों ने 6000 लोग सब्जेक्ट चूज़ किए थे और उसमें से हमारी साइट को 175 का टारगेट मिला था। हम लोगों ने उस टारगेट को पूरा कर लिया विद इन टाइम और अब उसका फॉलो अप बन रहा है। और आउट ऑफ 6000 हम लोगों ने 500 लोगों का भी सैंपल लेना था बेस लेवल का, जिस दिन हम टीका लगाएंगे, और आफ्टर 2 मंथ फिर हम उनका सैंपल भी लेंगे ताकि पता लगे कि अगेंस्ट द BCG वैक्सीन कितनी उनकी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको कि जो BCG है और COVID-19 वैक्सीन है, क्या ये दोनों मिलकर कोरोना को काबू में कर पाएंगी? मैडम, हमें बहुत होप है और हम बेसिकली हम लोगों को 2-3 महीने हो गए हैं इस BCG वैक्सीन को ट्रायल करते हुए, तो हमारा ये देखना है और हम देख भी रहे हैं लोगों के अंदर इसकी जो इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन है वो काफ़ी कम है। बेसिकली हमने BCG वैक्सीन लगाने के लिए हमारा मकसद यही था कि देखा जाना था कि जो लोगों हमने इन्वॉल्व किए हैं उसमें से कितनों को इन्फेक्शन होता है, और अगर इन्फेक्शन होता है तो उसमें सिवियरिटी कितनी होती है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल BCG वैक्सीन जिसको नहीं मिली वो लोग कितना ICU के अंदर जा रहे हैं और कितने लोग उसके बाद वेंटिलेटर पर जा रहे हैं, और जिनको BCG वैक्सीन मिली है वो कितने ICU जा रहे हैं, कितने वेंटिलेटर पर जा रहे हैं। तो हम लोगों का ये भी पार्ट था BCG वैक्सीन देने के बाद। तो हमने जो हमारे जो रोहतक के अंदर जो हम लोगों ने सब्जेक्ट चूज़ किए थे और हमने ये देखा गया क्योंकि हम उनको फॉलोअप कर रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि काफ़ी लो इंसिडेंस है। अगर हम प्रेवलेंस की बात करें तो काफ़ी लोगों कम लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है, तो हमारे हिसाब से BCG जो है इफेक्टिव होनी चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैडम। दोस्तों, अब देखना ये है कि ये जो ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं COVID-19 वैक्सीन के, और जैसा BCG के बारे में डॉक्टर रमेश ने हमें बताया, वो सक्सेसफुल रहते हैं या नहीं, लेकिन उम्मीद यही है कि होप यही है कि ये जो ट्रायल्स हैं, ये जो वैक्सीन हैं, इनके ट्रायल्स सक्सेसफुल रहेंगे और बहुत जल्दी बाज़ार में COVID-19 वैक्सीन आ जाएगी और कोरोना को हमारे देश में काबू कर लिया जाएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम हैं PGIMS रोहतक में, जहाँ पर ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं। नई वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।